हम तो आपके पास चलो और देख के आप लोग सब अगर डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहो कि बीएसएफ की तरह गोलियां चलावे चलो 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 कार्यक्रम है उसका कार्यक्रम आप कवरेज करें आपके लिए और इस समाज के लिए आप बोला भारत माता की भारत माता की शेरों वाली आवाज हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विराजमान आदरणीय एमएस बिट्टा साहब जो जिंदा शहीद के नाम से जाने जाते हैं ऐसे हमारे मुख्य अतिथिगण मुख्य अतिथि श्री कैलाश चौधरी जी सर भारत माता की जय वंदे मातरम सबसे पहले तो मैं डीएलजी श्री पुष्पिंदर जी राठौर जी का मैं धन्यवाद करता हूं और उन्होंने एक बात कही 135 साल का इतिहास बहुत कम होगा मौत का कफन बांधा हर एक ने और हमारे ये जवान हमारी ये बेटियां ये वर्दी नहीं है ये मौत का कफन है मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए जब ये निकलते हैं या निकलते थे जहां निकलेंगे एक ही आवाज निकलती है एक शाम चिरागों में सजा रखी है शब्द लोगों ने हवाओं में लगा रखी है अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है तो बताते हैं। ये आज का हिंदुस्तान हमें कई बार पीड़ा दुख कभी बंद कमरों में रोते थे रोते हैं आज हमारे जवानों की इतनी शहादत ना होती आज हमारे बहनों के सुहाग ना उजड़ते आज हमारे बच्चे यतीम ना होते आज हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना कश्मीर में होता अगर उस वक्त हमने राजनीतिक गलतियां नहीं की होती आज ऑक्यूपाई कश्मीर भी हिंदुस्तान के अंदर होता आज 370-12 का मुद्दा भी ना उठता गलतियां हमारी हुई हमारी दोस्तियों की कमियां हुई हमने जवानों का नहीं सोचा हमने आने वाले जनरेशन का नहीं सोचा कि आने वाला वक्त कैसा होगा हमारी जब जवान घर से निकलता है मौत का कफन बांध करके अपनी पत्नी अपने पिता अपने बच्चों को देखता है अपनी मां को देखता है वो सोचता है मैं जा रहा हूं पर दिल की बात अपने पिता अपनी पत्नी अपनी मां अपने बच्चों को नहीं बताता जा रहा हूं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा मुझे मालूम नहीं और चले जाता है मौत का खबर बांध करके ऐसे कई अपने परिवार मैंने देखे और 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में बॉडी खून से लथपथ उनके बच्चों के सामने पत्नी के सामने पिता के सामने मां के सामने आती है ये शहादत है ये कुर्बानी है कैलाश जी ने कहा बिल्कुल सही कहा मैंने वो जीवन का वो सफर देखा मैंने कारगिल का युद्ध देखा मैंने उससे पहले का देखा मैंने नक्सलाइटों की लड़ाई देखी जवानों के घरों में जाते हुए देखा
हमारे जवानों की आंखें निकाल देते थे, हमारे जवानों के शरीरों के टुकड़े कर देते थे और दे देते थे ले जाओ। और दिल्ली के अंदर वो पाकिस्तान से चर्चा होती थी, हाथे मजाक की बात होती थी, वो जवान की शहादत की कीमत क्या है, उसने कितनी बड़ी शहादत दी है, उसकी चर्चा नहीं होती। अरे ये तो जवान है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप राष्ट्र के रक्षक हैं, मेरी बहनें मेरे भाई, यहां गांव भी छोटे छोटे हैं, इतनी तादाद के अंदर डीआईजी साहब की तरफ से, राठौर साहब की तरफ से इंतजाम करना और आपका आना और आपका जोश, ये बताता है सीमा सुरक्षा कल्याण समिति जिसका मैं भी छोटा सा मेंबर हूं, मैं छोटा सा मेंबर हूं इनका, इनके साथ जुड़ा हूं मैं। एक तरफ बीएसएफ वर्दी पहन करके सीमाओं की रक्षा करेगी और ये वर्दी के बगैर आसपास के एरिए में अंदरूनी सुरक्षा करेंगे। राष्ट्र कैसे कमजोर हो सकता है बताइए मुझे, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी बड़ा टकसाली किसी पार्टी से जुड़ा हूं, टकसाली हूं, पर कभी वंदे मातरम भारत माता की जय कभी भूला नहीं हूं। बचपन से 7 साल की उम्र में जलियांवाला बाग के अंदर जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून गिरा था, अपने ग्रैंडफादर के साथ शपथ ली थी, आजादी इन शहीदों ने लेके दे दी, कभी जिंदगी में वक्त मिला बड़ा हुआ आजादी की रक्षा करूंगा। और जब पहला बम चला था मेरे ऊपर 45 किलो आरडीएफ से पहले, और आतंकवादियों ने कहा था जहां हमारे डीआईजी साहब पुष्पिंदर जी, कहीं जम्मू कश्मीर कहीं पंजाब का वो दौर जहां किसी बहन को पता नहीं होता था मेरा पति मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली है वापस आएगा या नहीं आएगी, ये मौत का कफन बांध करके निकले थे। उस वक्त वो जनरल सिंह भिंडरांवाले ने चैलेंज किया था, अगर बेटा यहां तिरंगा झंडा 15 अगस्त आजादी का तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। और मैंने जलियांवाला बाग की जो शपथ 7 साल की उम्र में और लाल खून की मिट्टी पे ली थी, मैंने कहा आज मेरे इम्तिहान का वक्त है, ये खालिस्तान नहीं, खालिस्तान न कभी बना था न कभी बनेगा न कभी बनने देंगे, अगर बनेगा इनको चैलेंज करता हूं बार बार। पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह, गंदी हनेरी की तरह हमारी लाठियों से गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र एक है और राष्ट्र एक रहेगा। और पहला बम चला 83 के अंदर आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए मौत का कफन बांध करके हम निकल चले। हम जब लिखते थे ना दीवारों के ऊपर नारे, जब वो कहते थे पंजाब से कोई हिंदू भाई नहीं रहेगा, जहां सिर्फ खालिस्तान रहेगा, जहां महाराष्ट्र का यहां राजस्थान का जहां बिहार का यहां मध्य प्रदेश का बंगाल का नहीं रहेगा, मैंने कहा राष्ट्र एक है एक रहेगा। और दीवारों पे नारे लिखे करते थे भारत एक धर्म अनेक, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चैलेंज करते थे, उनको गोलियां चलती थी, गोलियां हंसते हुए खाते हुए भगत सिंह को याद करते हुए उन आतंकवादियों को चैलेंज करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। सवाल उठाए जाते हैं सर्जिकल ऑपरेशन क्यों हुआ, ट्रेन क्यों भेजे गए, घटना कैसे हुई पुलवामा की। मैं कई बार इनको बड़े बड़े चैनलों में कहता हूं, अरे जैकेट पहन करके रुमाल पहन करके सज के आके बहस करनी बड़ी आसान है, और मैं एंकर को कहता हूं अरे इनको भेजिए जरा मेरे साथ, मैं अपनी भी सुरक्षा छोड़ता हूं, हमारे बीएसएफ के जवान हमारे फौज के जवान इनको बक्सों पको पकड़ते हैं, इनके सामान को पकड़ते हैं और उनके हाथ में बंदूक हूं और एक एक महीना लगाते हैं, फिर इनको चैनलों में बिठाइए कि कैसे हमारे जवान मौत का कफन बांध करके सीमाओं की आपकी रक्षा करते हैं। चैनलों पे बोलना बड़ा आसान होता है,
दिखावे देखता हूं। शहीदों का मान सम्मान होता है, फोटो खिंचाई जाती है, 2 रुपए की छाल पहनाई जाती है, सिर्फ दिखावा होता है। और यहां ये वो संगठन है, ये संगठन दिन ब दिन इतना आगे बढ़ता जाएगा, जहां वोट नहीं, जहां कुर्सी नहीं, जहां एक ही मकसद है, सीमाओं की रक्षा करना। और गौ माता, कल मुझे राजेश जी, मेहता जी हमारे सामने भाई साहब बैठे, उनके घर लेके गए, सूरत में बिजनेस करते हैं और यहां उनका घर है। क्या मैं देखता हूं, गाय माता की सेवा, एक गाय माता की सेवा हम शहरों में करते हैं, एक गाय माता की वो सेवा जहां कोई वोट है ही नहीं, जहां कोई व्यक्ति नहीं है, 500 एकड़ जमीन लेकर के वहां पानी का इंतजाम करना गाय माता के लिए, और 7 गाथ लगाना गाय माता के लिए, दूध लेना देना कुछ नहीं, ऐसी सेवा बीकानेर की धरती पे आपके तो एक एक व्यक्ति के मैं चरणों को छूनू, मुझे कितना आशीर्वाद मिलेगा। आप वो व्यक्ति, आज के अंदर वो जनपा है, यह इतनी प्यारी धरती है, मैंने देखा है, मानवता की रक्षा हो, सेवाओं की रक्षा हो, गाय माता की सेवा हो, हर काम के लिए ये बीकानेर की धरती तैयार रहती है। और इतने भामाशाह है जो सामने नहीं आते, और कल वही ये चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, भारत से जुड़ी होगी, पर यहां कोई प्रेसिडेंट नहीं है, यहां कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, सारे प्रेसिडेंट और सारे सेवक है। ये आप लोगों की एक शक्ति, एक ताकत आज कहां आपको आके खड़ा कर दिया, सेवाओं की रक्षा। तो मैं आपका टाइम बहुत हो चुका है, आप काफी दूर से आए हैं, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, अपने अपने कर्तव्य को जरूर पूरा करें, इस समिति के साथ जुड़े, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, को वर्दी पहन के काम कर रहा है, हम वर्दी के बगैर कर रहे हैं, मैं भी आपके सामने हूं, मंत्री जी भी आपके सामने हैं, हम वर्दी के बगैर हैं। जात वंदे मातरम, और 2 मिनट के लिए मैं चले जाऊं, यही मुझे दिन है। आज हमारे देश के अंदर वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती, कोई देश की बात करने वाला नहीं रहता, हम मत और धर्मों में फंस जाते, हमारा जवान मौत का कफन बांध के जाता है, इसमें कोई शक नहीं, पर हमारी राजनीतिक गलतियों से हमारे जवान की शहादत हो, ये हमें किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं। हमारा जवान निकला है, हमारा जवान सुरक्षित वापस अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने बच्चों के पास आना चाहिए, ये हमारी हमेशा भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका शुक्रिया अदा करता हुआ आखिर में कहूंगा, इस बोनस की जिंदगी के अंदर कि हम जितनी देर भी हैं आपके लिए हैं, और जितना भी बचा हुआ शरीर का हिस्सा है वो आपके लिए हमेशा समर्पण है, राष्ट्र के लिए जन्म लिया है, और आखिरी समय पे भी राष्ट्र के लिए अपने जीवन को कुर्बान करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।